हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूं तो यहाँ पे एक तो ये अलग कलर में आ रहा है, ये जो आ रहा है। और दूसरी चीज मेन जो आज का टॉपिक है, आज का जो विषय है, आज उस पर बात कर लेते हैं हम लोग कि आज का जो टॉपिक, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर अगर मैं देखिएगा जरा, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ काउंटिफ। तो ये देखिए ये लगाया काउंटिफ। अब ये काउंटिफ फंक्शन है और यहाँ पर इसे लगाया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू, TRUE ट्रू, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सजेस्टेड ऑटोफिल आ जाएगा। आप ऑटोफिल कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए ऑटोफिल हमने कर दिया है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा साइज भी छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर एब्सेंट डेज भी दिखा सकूँ कि कैसे एब्सेंट डेज कैलकुलेट होगा। तो ये लिखा काउंट और इफ, ब्रैकेट को ओपन किया और फिर इसी को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके कॉमा लगाना है और यहाँ पे करना है FALSE फॉल्स और एंटर कर देना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये इस तरीके से आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये चेक बॉक्सेस कहाँ से आए। तो चेक बॉक्सेस के लिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी सेम तरीके से बनाया गया है। पहले तो मैं ये जो चेक बॉक्सेस हमने बनाए हुए हैं तो इतने को सेलेक्ट करके और हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डेल बटन प्रेस कर दिया तो ये डिलीट हो गया। अब हमको ये चेक बॉक्सेस चाहिए और इतनी ही रेंज में चाहिए। तो आपको करना क्या है, सीधा चलना है इंसर्ट टैब पर और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, यहाँ पर आपको मिल जाता है चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। और बस अब यहाँ से आप कैलकुलेट करते चलिए। तो कैलकुलेट करना तो मैंने बता ही दिया कि कितना आसान है। देखिए अगर आप यहाँ पर जाते हैं और आपको प्रेजेंट कैलकुलेट करना है तो काउंटिफ लगाइए इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ। ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके देन यहाँ पे लिख दीजिए ट्रू, डबल टेट कॉमा में। तो ये हो गया ट्रू, यानी कि अगर ये बात सही है कि पूरे टिक हैं तो वो नंबर आप हमें दे दीजिए। तो ये आ गया। और अगर आपको एब्सेंट डेज कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू काउंटिफ, फिर वही चीज़ कि ये काउंटिफ लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया और फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर अब कॉमा लगा करके फॉल्स कर दीजिए FALSE और बंद करके एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 0 डेज आ रहा है क्योंकि ये हर दिन प्रेजेंट रहे हैं। अब जैसे जैसे इसमें आप टिक करते जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट भी चेंज होता जाएगा प्रेजेंट और एब्सेंट का। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस आपको नजर तो आ ही रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ये गूगल शीट का काफी इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से हम इसको नाम को भी लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे तो नाम भी आते चले जाएंगे सारे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।